खोरी में अवैध मकानों पर कार्यवाही जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रशासन अवैध मकानों को हटाने में जुटे हैं, लेकिन अवैध मकानों में रह रहे लोग अपनी जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। फरीदाबाद के खोरी में अवैध मकानों में रह रहे लोगों के लिए राधा स्वामी आश्रम राहत शिविर के तौर पर बनाया गया है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि रात में शिविर खाली हो जाता है। बताया जा रहा है कि लोग दिन में शिविर में आते हैं, भोजन भी करते हैं, लेकिन रात के खाने के बाद लोग अपनी जमीन पर जहां मलबा पड़ा है लौट जाते हैं और अपने मकानों की जगह पर ही पन्नी प्लास्टिक या तिरपाल लगाकर रात काटते हैं। अधिकतर लोगों ने अपने परिवार को दूसरी जगह किराए पर शिफ्ट कर दिया है, लेकिन एक दो लोग जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए लोगों को खोरी से बाहर करना चुनौती बन गया है। घर टूटने के बाद भी लोग अपने मकान वाली जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। भीषण गर्मी और बारिश से बचने के लिए लोगों ने टेंट लगाने शुरू कर दिए हैं, तो कुछ लोग पेड़ों की छांव में रह रहे हैं। यहाँ के लोग रात अपने घर की जमीन या फिर आसपास बिता रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने जीवन भर की पूंजी से अपने मकान बनाए थे, जिन्हें प्रशासन ने ढा दिया। हम जमीन तभी छोड़ेंगे जब हमें जमीन की जायज कीमत मिलेगी, जिस पर अब लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।